देखिए भारत@9 काबेंद्र चौहान के साथ। लोग रोते रहते हैं मेरी नौकरी नहीं लगी, अब मैं क्या करूं। अरे भाई कुछ भी चीज पकड़ ले यार, उसमें अपना दिमाग लगा दे यार। तुम बताना अपने माँ बाप को, जब आप पहली बार शराब पीने गए थे अपने माँ बाप से पूछा था कि जब पहली बार कोई लड़की को छेड़ लिया तो माँ बाप से पूछा था। ये सबसे बड़ा बहाना है माँ बाप से पूछने का, मत पूछो। मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान में अपने माँ बाप को, मासी को, बुआ जी को, ताऊ जी को मुंह में बोलो कि सर आप गलत बोल रहे हो। हमें खुशी मिलती है किसी लड़की और लड़के का इंस्टाग्राम पे डीएम आना है, हमें खुशी मिलती है आईफोन खरीद, हमें खुशी मिलती है बुलेट चलाने से बुम बुम बुम, हमें खुशी मिलती है बियर्ड बनाने में, हमें खुशी मिलती है ऐसे करने में टी शर्ट पहनने, हमें खुशी मिलती है कोई ब्रांडेड चीज खरीदने में उसके इंस्टाग्राम के रील बनाने में। हमारे खुशी के मायने पलटने पड़ेंगे। नमस्कार दर्शकों, भारत@9 के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत, मैं हूं आपके साथ काबेंद्र चौहान। दर्शकों, बचपन से जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमको एक कहानी सुनाई गई, एक बात बताई गई थी कि सपने मत देखो क्योंकि सपने सच नहीं, असलियत में जियो। इसके साथ ही एक और बात थी जो हम आते जाते सुनते रहते थे, वो बात ये थी कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर हम सोचते थे कि आखिर तरना कैसे है, यही चीज सॉर्ट आउट नहीं कर पाए काफी लोग। लेकिन आज बिना आपका टाइम लिए मैं भारत की मुलाकात एक ऐसे शख्स के कराना चाहता हूं जिसने आज की डेट में करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर दिया, इन्फ्लुएंस कर रखा है। आपको बता दूं कि वो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और उनको देखकर काफी युवा उनसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित है। बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा आपका, बिल्कुल समय नहीं लूंगा आपका, सीधे मुलाकात कराता हूं आपकी। आज हमारे साथ हैं प्रफुल्ल बिलोरे साहब। प्रफुल्ल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। प्रफुल्ल भाई सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लूं मैं अपने लिए भी, अपने दर्शकों के लिए भी और सबके लिए। प्रफुल्ल भाई जब हम सुनते हैं कि MBA चाय वाला, मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूं, मेरे दिमाग में तो यही आया कि आपने पहले MBA किया और किसी बहुत बड़ी चाय की ब्रांड की कोई कंपनी थी, आप वहां पर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं आप, तो इसलिए आपका शायद प्रफुल्ल चाय वाला आपके दोस्त आपको बुलाने लगे MBA चाय वाला। ये फिर बाद में मेरे को पता लगा कि नहीं भाई ये तो अलग ही चल रहा है यहाँ पर, तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है प्रफुल्ल भाई? सलमान खान के लिए बना हुआ है कि शादी कब कर रहे, वैसे प्रफुल्ल भाई का है ठीक भाई है क्या जी? देखो क्या होता है ना, ये जनरल पर्सपेक्टिव है और हिंदुस्तानियों को किसी भी चीज को अज्यूम करने की आदत सी बचपन में डीएनए में, ऐसे ही होगा वैसे ही होगा और कोई क्रॉस चेक नहीं करता, कोई फैक्ट चेक नहीं करता कि क्या स्थिति परिस्थिति और ये नाम कहाँ से आया कैसा है। तो ऐसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका जवाब यस या नो या किसी एक दो लाइन या चार लाइन में नहीं कि क्यों आ गया। तो MBA चावला का पूरा फुल फॉर्म है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद, तो मिस्टर का एम, बिल्लोरे का बी और अहमदाबाद का एम। तो जब अपने कैट और जीमेट के दिनों में था मैं, क्या कि मैं इंडिया के और इंडिया के बाहर भी बड़े MBA कॉलेज में एडमिशन लू, वहां से अच्छी पढ़ाई करूँ दो साल और जहाँ जिनके साथ पढ़ाई करूँ वो अच्छे लोग हो, अच्छे परिवार के लोग, अच्छे शहरों के लोग, क्रीम क्राउड हो, तो करियर बिल्डिंग करूँ और क्यूबिकल लाइफ को करके EMI वाली जो दुनिया होती है नौकरी वाली दुनिया तो उसमें जाऊँ, यही लक्ष्य था, यही उद्देश्य था, इसके अलावा जीवन में पता भी नहीं। तो फ्रस्ट्रेट हो गए 2-2.5 साल काफी किताबों में, LRDI में क्वेश्चन इंग्लिश में, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक ही क्वेश्चन को 50 बार सॉल्व करो, आप सॉल्व तो कर दिया आंसर अच्छे से आ गया तो आप स्पीड में आंसर लाओ, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तो 2.5 साल तो उसी में बीत गए। पर फ्रस्ट्रेट हो गया सर कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी मुझे जिन कॉलेजों में जाना था तो हिंदुस्तान के टॉप मैनेजमेंट स्कूल या कॉलेजेस के वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस हो गया, डाउन हो गया और मैंने कहा जीवन खत्म हो गया, जीवन में आगे कुछ है नहीं। तो फिर वहाँ से मैंने MBA में नौकरी चालू करी, कुछ किताबें छोड़ के रहे शौक या क्यों ना अपना धंधा कुछ चालू करते हैं। तो 4-4.5 महीने MBA में वेटर की नौकरी करी, फिर धीरे प्रमोट हो गया, मैनेजर ट्रेनी बना और सारी चीज सीखा गया कि अमेरिकन ब्रांड्स कैसे इंडिया में आके लोगों को पैसा बनाती है, कितना धंधा गंदा दिए दोनों मैं खुद ब्रांड चालू है। तो मैंने सोचा ऐसा क्या इंडिया का प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया में चलेगा, तो चाय एक ऐसी चीज है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती है, समय कौन सा भी अच्छा हो बुरा हो, कोई भी प्रयोजन हो, आयोजन हो, कहीं भी हो, चाय हमेशा रहती है। तो मैंने कहा चाय चुनते हैं क्योंकि पूरे इंडिया में अगर आपको चुनना है तो चाय एक ऐसी चीज जो कनेक्ट करती है इंडिया में, तो चाय का टेस्ट बदलता है लेकिन चाय नहीं बदलती। हां चाय बदलती नहीं है, चाय तो होती है टेस्ट, तो चलो अपना अपना स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार चाय स्वाद।
प्रफुल्ल भाई बिल्कुल ना फ्रेंकली बात हो रही है अपन लोगों की, बिल्कुल फ्रेंकली बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई जैसे आपने कहा कि आपका एडमिशन नहीं हुआ किसी बड़े भी स्कूल में, ठीक है, बिजनेस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो इसलिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मेरे को एक बात, जैसे कि मैं यूपी से आता हूँ तो हमारे यूपी इधर साइड क्या है कि अगर एडमिशन नहीं होता तो लड़का ठीक है थोड़ी बहुत पैसा जमा करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, खुश हो जाता है। ये गुजरात की हवा में क्या है बिजनेस, क्या देखो मैं गुजराती नहीं, गुजराती नहीं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मैं मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, इंदौर से 50 किलोमीटर दूर वहां पैदा हुआ। मैंने 19-20 साल की उम्र तक वहीं था, मैंने प्रिपरेशन भी वहीं करी। तो मैं तो जब हिंदुस्तान घूम रहा था फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के बाद, तब मैं गुजरात पहुंचा। ये बड़ी रोचक बात है, मुझे लग रहा था काफी लोगों को लगता है कि आप गुजरात से। जी मैं एम नॉट अ बॉर्न गुजराती, अब मेरा कर्म गुजराती हो गया है, मेरी भाषा शैली गुजराती हो गई है। मेरी जो जड़ है, जो मेरी जड़ है वो मध्य प्रदेश के धार जिले से है और धार से वो राजा भोज की नगरी है धार, वहां से हूं मैं। कर्म भूमि गुजराती हो गई आपकी। कर्म भूमि अब तो खैर पूरा बहुत दुनिया हो गई है, धार जाते हैं नीचे वाला पहुंच रहा है, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा कर्म भूमि हो चुका है। अच्छा प्रफुल्ल भाई एक और चीज थी कि जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं सब चीज होती है, हर किसी के दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आता है कि बिजनेस करना है, फैक्ट्री सेटअप करनी है। अंबानी की स्टोरीज देखते थे हम, तमाम स्टोरीज देखते हैं हम, टाटा जी की देखते हैं, बिरला की देखते हैं, स्टोरीज देख के बड़ा दो चार दिन तो बड़ा मन में जोश रहता है कि भाई खड़ी कर देनी इस बार तो फैक्ट्री। लेकिन प्रफुल्ल भाई ये माइंड में सेटअप कैसे बिल्ड होता है कि करना कैसे, दरअसल लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है बिजनेस तो सबको पता है, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, लेकिन करना कैसे, ये कैसे होता है? देखो क्या है ना, आदमी हाथी आपको समझो बिजनेस करना है बहुत बड़ा सोचता है, वही हाथी आपको खाना है तो हाथी को जरूरी है कि आज ही खाना है। आज टुकड़े कर लो 2-4 हजार टुकड़े कर लो, आज का काम तो करो। आप बड़ी पिक्चर देख को शुरुआत नहीं करते हो, तो मैं बोलता हूँ ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एज नाउ, बड़ा सोचो चालू करो और अभी हाल चालू करो, छोटा चालू करो। देखो बड़ी 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 बात बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको वीडियो वायरल जाएगी कि बिल्कुल हर चीज आसान है, चाय बेचना आसान है, आपका जर्नलिज्म भी आसान है, पर कोई करता नहीं है। सबको सामने दिख रहा है कि भाई सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, वापस जाना है, आदमी यही नहीं कर रहा है। जो दुनिया के सबसे आसान काम है वही लोग नहीं कर रहे। अगर उस आसान काम को आप रेगुलर करते रहे, जो बहुत बड़े आदमी होते हैं, सबको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई मायाजाल होगा, बहुत बड़ा पत्थर समझते लोग अपने सिर पे, तो ऐसे कैसे होगा, वो कहां जाएगा, क्यों क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वो सोच कहां रहा है, वो बिस्तर में पड़े पड़े सोच रहे हैं, वो ऐसे सोफे पे लटक के सोच रहे हैं, वो वॉशरूम में सोच रहा है। हाँ, तो वो वॉशरूम से वो छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, तब जाके मैजिक होगा। मैजिक होता है आपके कंफर्ट जोन से बाहर के बाद। सारी चीजें आसान है सर, और सारी चीजों को बड़े बखूबी रूपों से हमारे आने वाले मतलब जो चले गए उन बिजनेसमैनों ने बना दिया है। वीडियो में बोल, मैं खुद भी बोल चुका हूँ कि काम करो रे काम करो रे, पर वो कर नहीं रहा है क्योंकि किसी को करना नहीं, क्योंकि वो खुद आलसी है। और प्रफुल्ल भाई एक और बात थी आपकी, मैंने एक लाइन सुनी थी, मैं तो काफी इन्फ्लुएंस हुआ उससे, मैजिक था उन लाइंस में। आपने कहा कि कोई मुझे मान लो बिल्डिंग बनानी है, तो आपने कहा था कि 4 ईंट ले जाके वहां डाल दो, तो ये क्या है प्रफुल्ल भाई की, मतलब स्टार्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं जाके पिन कर दो बस, फिर अपने आप हो जाएगी चीज धीरे धीरे। एक्चुअली मैं अपन कोई बड़ी प्रिविलेज फैमिली से नहीं है, सामान्य मध्यम परिवारी के लोग हैं, हमारे कोई पापा के पास करोड़ों अरबों का पैसा नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास आत्मविश्वास ऊर्जा होती है और हमारे पास ये कि खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो आज की 4 ईंट ला के रख दो, क्योंकि 4 ईंट तो है तुम्हारे पास, तो 8 ईंट होगी, मानो बिल्डिंग नहीं बना, क्यों सोचना बिल्डिंग बनाने का। तो लोग बिल्डिंग जब दिन भर बिल्डिंग बिल्डिंग कंपनी बिल्डिंग कंपनी का साला बिल्डिंग बनाने के बारे में 8 घंटे सोच रहे, 8 घंटे आप सोच रहे हो बिल्डिंग बनानी पैसे अलग बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, एग्जाम क्लियर करना है, पर उस 8 घंटे के बजाय अगर 8 मिनट उसके लिए काम कर दिया तो वो हो जाएगा, पर लोग काम ही नहीं करते। सारी चीजें कर्म से है सर, काम ही करना पड़ेगा, कर्मण्येवाधिकारस्य मांगल्यम्। कितना भी सोच लो, कितने भी सपने सजा लो, कितने भी प्रफुल्ल बिल्लौर के वीडियो देख लो, कुछ नहीं होने वाला वीडियो। काफी लोगों ने एक सवाल पूछा, जो उनके सवाल थे उनसे ये पूछिएगा जरूर कि वो बुक्स पढ़ते हैं तो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं भाई, उनको भी तो कहीं से मोटिवेशन मिलती होगी, तो बुक्स कौन सी पढ़ते हैं आप? मैं किताबें पढ़ता हूँ जिन लोगों ने ऑलरेडी ऐसे बिजनेसेस चालू कर चुके हैं, मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं गीता का बड़ा प्रेमी हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ता हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे कोई सीक्रेट मिल जाए। आदमी क्या चाह रहा है कि चाबी का कोई वही 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 मैं किताबें इसलिए नहीं पढ़ता कि कोई सीक्रेट मिल जाए, मैं किताबें पढ़ता हूँ मेडिटेशन के लिए, मैं किताबें पढ़ता हूँ एक नया पर्सपेक्टिव लाने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, एक लाइन कोई एक बहुत बड़ी किताब पढ़ी हो, किताब लाइफ चेंज नहीं करेगी, कोई एक शब्द, कोई एक आइडिया, कोई एक विचार, अरे उस टाइम में उसने ऐसा किया था तो क्यों ना मैं करूँ,
तो प्रफुल्ल बेल्लोरे की और एमवी चावला की सक्सेस का क्या राज है, मैं आपको बताऊं, जो जो मैंने सीखा, जो जो मैंने पढ़ा, वो उसके बाद मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी, पहले उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने मुझे बोला कि सुबह 6 बजे उठना है और जाके आपको काम करना है, तो मैं अब आपका दूसरा ज्ञान नहीं सुनूंगा, पहले मैं 6 बजे उठूंगा, रोज उठूंगा, उठते रहूंगा, अब ये मेरा हैबिट बन गया, आप दूसरा ज्ञान दे दूंगा। ओवरफ्लो ऑफ मोटिवेशन, ओवरफ्लो ऑफ ज्ञान, ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओवरफ्लो ऑफ आइडियाज, इनसाइट, लोग इतना ले रहे क्या करूं। भाई आपको बोल दिया गया है कि सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, छोड़ दो नहाने का, छोड़ दो कपड़े पहनने का, रोज ब्रश करो पहले तो, फिर कल कपड़े पहनना, कल नहाना, आदमी क्या ओवरलोडिंग हो रहा है। प्रफुल्ल से भी मोटिवेशन ले लिया, मोदी जी से भी मोटिवेशन ले लिया, संदीप माहेश्वरी से भी मोटिवेशन ले लिया, विवेक बिंद्रा से भी मोटिवेशन, आप क्या करेगा, बस मोटिवेशन लेके रख लिया, रख लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ, आप, मैंने कोई चीज पढ़ ली रोड पे, मैं कार चला रहा हूँ, कोई चीज मैंने पढ़ ली, मैं वही रुक जाता हूँ, या मैं यूटर्न ले लूंगा वही चीज के पास, ये ऐसा क्यों लिखा है, ये मेरे लाइफ में काम आएगा, मैं इसको अभी हाल अप्लाई कर रहा हूँ। और मैं अगर 100 करोड़ की डील भी हो रही है ना राकेश जी, वो छोड़ के मैं वो उस आइडिया पे काम करने लगता हूँ, लोग वाह भाई कर लेंगे, हो जाएगा, टैलेंट टोली छोड़ देते हैं, कल कब वो, अरे सर ये सारी चीजें कब से बोली जा चुकी है, कल करें सो आज कर, आज करें सो अभी, सारी चीजें बोली जा चुकी है, जो जो महान लोगों ने आपको बोला है ना कि नेवर गिव अप, आपको बोला है अटल रहो, अड़े रहो, अटके रहो, चलते रहो, गिव अप मत करो, ये कितनी बड़ी चीज है। मैं 4 साल से 2.5 साल तो रोड पे चाय का ठेला चलाया, मैं गिव अप क्यों नहीं किया, कि वो भैया बोल के गया, विवेकानंद जी बोल के गए कि अटल रहो, अड़े रहो, वो इतना बड़ा आदमी बोल के गया, मतलब कोई तो उसमें वैल्यू होगी ना उस चीज की, क्यों बोल के गए वो। मैं आज इतनी बातें मेरी वायरल हो रही है तो मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, मैं 4.5 से 5 साल के अनुभव से आया होगा ना, बिल्कुल, तो बड़ा सोचो, छोटा चालू करो, अभी हाल चालू करो, तो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, आपको कोई मोहरत, आप आलसी हो, मतलब आपको काम नहीं कर रहा, आप मक्कार हो, आप माँ बाप का पैसा, माँ बाप का समय, आज का हिंदुस्तानी युवा मम्मी का रोटी, मम्मी का रोटला और बाप का ओटला तोड़ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल, इसी में पूछा था कि आज के युवाओं के लिए क्या एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी चीज है या बिजनेस करें, आपको क्या लगता है? सब कुछ अच्छा है, आपको आईएएस बनना, आईएएस बनिए, पर ऐसा आईएएस बनिए कि अगर हिंदुस्तान में 1000 आईएएस हो तो सबसे अच्छा आईएएस कौन होना चाहिए, तो आप अच्छा आईएएस, आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप आपके धंधे में झाड़ू लगा रहे हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ धार जिला है, वहां पे पिथमपुर करके एक इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे एक सेठ था, राजस्थान, एक मारवाड़ी सेठ था, उसकी एक लौती बेटी थी जिसने अमेरिका में ब्याह रचा लिया, उसका ड्राइवर था, उस ड्राइवर को उस मारवाड़ी व्यापारी की सारी चीजें पता थी कि कहां सुई लगती है, कहां तलवार लगती है, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ प्रफुल्ल भाई, शानदार आ रही है। मारवाड़ी वो ड्राइवर जो था ना, उसको सब कुछ पता था कि इस फैक्ट्री में पाना कहाँ है, पेंचेस कहाँ है, वायर कहाँ है, अकाउंटिंग कहाँ है। आपको बता दूं, 5 साल पहले की बात है, ये वो बंदा आईसीयू में बैठा था, अपनी विरासत में वो फैक्ट्री किसको देके गया, उस ड्राइवर को फैक्ट्री देके गया कि इस फैक्ट्री का हकदार वो मालिक है, ड्राइवर, क्योंकि इसको सब कुछ पता है। आप इस न्यूज चैनल में नौकरी कर रहे हैं, आपको इसका मालिक बनने का हक कब होगा, जब आपका काम बखूबी 1000% दोगे तो आप डिजर्व करते हो इसका मालिक बनने। बिल्कुल, मानो आप रिलायंस में मुकेश अंबानी जी के साथ काम करो, अगर आपको एक स्वाइप है, टील तिल्ली तो सब कुछ पता है मुकेश अंबानी जी का, अगर किसी दिन मुकेश अंबानी अपनी विरासत देने के लिए जाएंगे तो आप सबसे अच्छे इंसान होने चाहिए उस विरासत को पाने के लिए। आप तो नौकरी भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो इस बात की क्या गारंटी कि आप जो उसके मालिक बन के काम अच्छे से कर लोगे यार। आप अगर कामचार हो तो आप सबके कामचार। बिल्कुल प्रफुल्ल भाई, अच्छा एक और चीज थी, प्रफुल्ल भाई जैसे कि आपकी बात करते हैं अब, तो आपका ठीक है एमबीए चाय वाला एक आपका ब्रांड अब तो बन चुका है, तो आपका कंपटीशन किससे, क्योंकि चाय हाउस भी है इधर, एक चाय सुट्टा बार भी है, तो इनसे आपका कंपटीशन भी चलता है, तो ये कैसा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन चलता है, कैसा है? और अब आप चांद पे जाके बोल रहे हैं कि मैं चांद पे पहुंच गए, ये पहले लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पे गए, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी माउंट एवरेस्ट चल रहा हूँ। मैं तो इनका धन्यवाद देता हूँ, हिंदुस्तान में चाय को एंटरप्रेन्योरशिप बता के चाय को इन्होंने एक ऐसा बेवरेज दिया जो कॉफी और पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाता है, तो मैं तो कॉम्पिटिशन वर्ड ही नहीं मानता हूँ इस देश में। मैं मानता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिशन वर्ड को रिप्लेस कर दो कोलैबोरेशन से, तो इस हिंदुस्तान को कोई भी 5 मिलियन इकोनॉमी से, जापान से, चाइना से, अमेरिका से,
पीछा मतलब पीछे रह नहीं सकते हो। हमारे हिंदुस्तान में एक गंदी चीज सिखाई जा सकती है कि कंपटीशन, उससे जलन भावना। मैं तो इन ब्रांड से भी सीखता हूँ, ये गलती हो रही कैसे करूँ। आप हर चीज में से रास्ता निकालने की बात करो, आप हर चीज में से समाधान की बात करो। आप समस्या की बात करोगे तो समस्या में चले जाओगे, आप समाधान की बात करोगे आप समाधान में चले जाओगे। आप इनसे क्या सीख, ये हिंदुस्तान सिर्फ कोलैबोरेशन, सबका साथ सबके विकास के साथ ही बदल सकता है। आप चाहो कि मैं अकेला करोड़पति बन जाऊं, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूं, तो आप अकेले रह जाओगे। आपको सबको साथ में लेके करना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे सैकड़ों बच्चे मेरे पास आते हैं चाय की ब्रांड्स को लेके, मैं उनकी पूरी सहायता करता हूँ। क्यों, मेरी किस्मत थोड़े ले जाएंगे, मेरी हिम्मत थोड़ी ले जाएंगे, मेरा जो मेरे को जो नसीब है वो थोड़े लेके जाएंगे। मैं उनकी हेल्प करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा ग्रो करें। प्रफुल्ल भाई, आपकी जो पूरी जर्नी रही इसमें आप, मैंने एक चीज देखी थी कि आपने कई, एक होता है ना कि आपने यूनिक काम किया, जैसे कि आपने इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत किए। मैंने आपका देखा था क्रिएटिविटी लेवल एकदम से हाई दिख रहा था कि आप कार्यक्रम थे जैसे एक चाय सिंगल्स के नाम, बाकी आपका जो पूरा लुक रहता है पूरी शॉप का वो गजब का रहता है, छोटे छोटे कोट्स बने रहते हैं वहां पर। तो ये आइडिया कहां से आपको मिला कि इस तरीके से अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें? आप मानते हैं कि क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है चीजों में? बहुत जरूरी। देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपके पास दो चीजें, एक टाइम, एक एनर्जी और एक इनोवेशन, इनोवेटिव दिमाग, ये तो यूज कर सकते हो ना सस्ते सस्ते चीजों में। भाई आपका चाय का दुकान है, आप गंदे तरीके से चाय बेच रहे हो रोड साइड पे, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसमें प्रॉपर क्लीन कर लो, ड्रेस कोड अच्छा पहन लो, एक ही जोड़ कपड़ा खरीदो पर धुला पहनो, प्रेस वाला पहनो, तो आपको नहीं लगता कि बाकी दुकान में लोग नहीं जाके मेरी दुकान पे आएंगे? हर आदमी को इंपॉर्टेंस चाहिए, हर आदमी को क्रिएटिविटी चाहिए। और जब तक आपके बिजनेस और सर्विसेज में लोग रोते रहते हैं मेरी नौकरी नहीं लगी, अब मैं क्या करूं। अरे भाई कुछ भी चीज पकड़ ले यार, उसमें अपना दिमाग लगा दे यार। प्रफुल्ल भाई, चाय बेचना तो ठीक है, घर वालों को कैसे बताया? फिर बताने में भी तो डर लगता है प्रफुल्ल भाई। अब थ्री इडियट मूवी देख के हम लोग बैठे हुए हैं, वो कैसे कितनी मुसीबतों के साथ जाकर बता पाता है कि पापा मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है। आपने कैसे बताया होगा कि पापा मैं चाय बेच रहा हूँ, चाय की दुकानें खोलनी है, बिजनेस मॉडल है मेरा पूरा? क्यों बताना अपने माँ बाप को? जब आप पहली बार शराब पीने गए थे, अपने माँ बाप से पूछा था कि जब पहली बार कोई लड़की को छेड़ने गए तो माँ बाप से पूछा था? ये सबसे बड़ा बहाना है कि माँ बाप से पूछने का। मत पूछो, उनका अस्तित्व भूल जा रहा है। हिंदुस्तानी माँ बाप को मैं बता दूं, वो अपने 50 साल पुराने ख्याल अपनी औलादों को 21वीं सदी में देते हैं, जो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए लाइक कि वो उनको शराब दे रहे कि तुम शराब पियो। आपके 50 साल पुराने ख्याल को आप टेक्नोलॉजी वाली दुनिया को, मॉडर्न दुनिया को, जो आधुनिक दुनिया हो रही जिसको चाइना, जापान, अमेरिका, फ्रांस से लड़ना है, वहां पे आप अपने पुराने 100 साल पुराने ख्याल डाल रहे हो, आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। क्यों पूछना अपने माँ बाप को? क्योंकि उनके ख्याल 21वीं सदी से जचते नहीं, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, वो अपने आप में सीख नहीं रहे, और अपने बच्चों को भी वही चाहते जो मैंने किया। तो ऐसा क्यों करना यार, गिरने दो, पढ़ने दो, मरने दो, पसीना आने दो, खून पसीना आने दो। भाई आजकल शहादत क्या है, मैं आपको बता दूं, इस देश को आजादी चाहिए विचारों से, इस देश को आजादी चाहिए उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को बांध के रखते, वो खुद अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को वो सीढ़ी बनाते ताकि वो सपने पूरे हो जाए, ताकि समाज में रिश्तेदारों को बोल दे कि मेरे बच्चे नहीं करते। वो छोटे से आधे घंटे के शादी ब्याह में हवाबाजी औरा क्रिएट करने के लिए, एक एप्रिसिएशन या तारीफ सुनने के लिए वो अपने बच्चों की बलि चढ़ा देते, ये कौन सी बात है? सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान में अपने माँ बाप को, मासी को, बुआ जी को, ताऊ जी को मुंह में बोलो कि सर आप गलत बोल रहे हो। हाँ। क्योंकि अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक सामाजिक बर्डन के चक्कर में आप हिंदुस्तानी माँ बाप को, मौसी को, बुआ को बोल नहीं सकते कि आप गलत, और उनके प्रेशर में उनको खुश करने के चक्कर में आपके माँ बाप उनसे ज्ञान लेते हैं और आपको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए 21वीं सदी टेक्नोलॉजी वाली सदी, 21वीं सदी इकोनॉमी की सदी, 21वीं सदी क्रिएटर्स की सदी, 21वीं सदी कुछ करने वालों की सदी, और उस टाइम पे आप अपने 25 साल पुराने बिल्कुल जैसे गुलामी वाले जो आपके आइडियाज है और जो विचार है वो अपने बच्चों में ठोक रहे हो, सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बोला नहीं कि आप गलत कर रहे हो, और इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे। बिल्कुल प्रफुल्ल भाई, ये सोशल प्रॉब्लम होगी। एक चीज इससे निकल कर मेरे दिमाग में आई प्रफुल्ल भाई, कि जैसे अमेरिका में हम देखते हैं, यूएस में हम देखते हैं, वहां पर नए युवा काफी इनोवेशन कर रहे हैं, काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, काफी नई चीजें लेकर आ रहे हैं। इंडिया में इतनी बड़ी 135 करोड़ लोग हैं हम, जिसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो युवाओं का ही है, हम लोग पीछे क्यों, लैग क्यों कर जाते हैं प्रफुल्ल भाई?
हमारे खुशी और दुखों के मायने बहुत गलत है। हमें खुशी मिलती है किसी लड़की और लड़के का इंस्टाग्राम पे डीएम आ जाता है, हमें खुशी मिलती है आईफोन खरीदने से, हमें खुशी मिलती है बुलेट चलाने से, बूम बूम बूम, हमें खुशी मिलती है बियर्ड बनाने में, हमें खुशी मिलती है ऐसे करने में, टी शर्ट पहनने में, हमें खुशी मिलती है कोई ब्रांडेड चीज खरीदने में, उसके इंस्टाग्राम के रील बनाने में। हमारे खुशी के मायने पलटने पड़ेंगे। ये समाज में जो शो ऑफ का चलन चल रहा है युवाओं में, इम्प्रेस करने का और दिखावे का, ये चलन चेंज करके हमें बैठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये दिखावे से ज्यादा जरूरत की चीजों पे खर्च करके बाकी पैसे को बचा के इनोवेशन पे काम करो, ट्रेवलिंग पे काम करो, सीखने पे काम करो। ये जो पैसा आप समझो, अगर आज मैं 10 से 15 हजार या 20 हजार रुपए महीने मेरा पॉकेट मनी, तो मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ? रेडबुल खरीदने में मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ? सैटरडे संडे शराब पीने में मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ? अपने नए आईफोन की ईएमआई भरने में? अगर यही पैसा आप कहीं अच्छे शहर या विदेश में, विदेश जाना कितना सरल है, अभी मैं यूरोप प्लान कर रहा हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए में मैं पूरा यूरोप घूम के आ सकता हूँ। मैं यूरोप अगर 3.5 से 4 लाख में घूम के आऊंगा तो मैं कितना सीखूंगा, मैं कितना कल्चर सीखूंगा। पर अगर आपको 3.5 से 4 लाख नहीं है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले भ्रम 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 गाड़ी लेके आओगे 2.5 लाख रुपए। आपकी प्रायोरिटीज अलग है, आपके जो सिद्धांत है, आपके जो दोस्त है, आपके ऑब्जेक्टिव है, वो अलग है, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। और ये चालू हुआ आपके घरों से, ये चालू होगा शिक्षा के बुनियादी स्तर को बदलने से। ये जब तक आप बात नहीं करोगे तो कैसे आप हिंदुस्तान को बदलने की बात करोगे? आपको मैं बता दूं कि वो कहते हैं ना कि आपकी स्ट्रेंथ आती है आपकी वीकनेस हो जाएगी। जो आपका युवा आज हिंदुस्तान का सबसे, मोदी जी भी बोलते हैं पूरे देश को युवा को आगे ले जाना, युवा को, पर ले जाने के लिए उनको बताना तो पड़ेगा कि युवा गलत क्या कर रहा है। एंड एवरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ रिवॉल्यूशन इज अवेयरनेस। जब तक आपको बोला नहीं जाएगा कि आपके चेहरे के ऊपर धूल है, आप अपना मुंह कैसे साफ करोगे? और कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है कि कोई सक्सेसफुल बने चाहे ना बने, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो सक्सेसफुल बने पर मुझसे ज्यादा ना बने। हिंदुस्तानियों को ये कल्चर, ये थॉट प्रोसेस, ये माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। 150 करोड़ लोगों को एक साथ मिलके सक्सेस की बातें करना पड़ेगी, 150 करोड़ लोगों को इकोनॉमी की बातें करना पड़ेगी। हमारी जो बातें हैं चौराहे पे, क्या बातें आप, आपके न्यूज अभी आप जितने शूट बूट में बैठे हो, अगर आप यहाँ से निकल के चौराहे पे क्या बात करोगे? वो खराब, ये अच्छा, वो सही, वो लड़की का नंबर, अगर ये बातें हो रही है तो जो आपकी बातें हो रही है वही आपके विचार बनते, जो आपके विचार बनते वो आपकी रियलिटी बनती, जो आपकी रियलिटी बनती वैसे आपका देश बनेगा। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान का हर युवा कुछ करने की बात करे, देश को बदलने की बात करे, कमाने की बात करे, टैक्स भरने की बात करे और एक प्रोसेस सिस्टम की बात करे। जुगाड़ू देश नहीं बनने रहे। प्रफुल्ल भाई कैसे करेगा? प्रफुल्ल भाई कैसे करेगा? युवा तो डूबा हुआ इंस्टाग्राम रील देख रहा है, वो तो वीकेंड के प्लान कर रहा है। युवा तो आपने बिल्कुल सही कहा, खुल के बात कर रहे हैं अपन लोग, तो युवा लड़कों की बात कर लो बेसिकली, तो लड़का तो पीछे पीछे घूम रहा है किसी का, किसी लड़की का नंबर मिल जाए, बातचीत हो जाए, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, इंस्टाग्राम में लगे हैं, व्हाट्सएप पे पूरे दिन लगे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, तो प्रफुल्ल भाई होगा कैसे फिर? ये तो एक तरीके से फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है। मेरे जैसे लोगों को आवश्यकता है आने की रोड पे, रोड, और ये बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकली चेंज। ये अभी जैसे यूपी में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, वहां का मुद्दा होना चाहिए इकोनॉमी का, वहां का मुद्दा होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, वहां का मुद्दा होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का, फैक्ट्रीज डालने का, क्रिएटर्स इकोनॉमी का, ये वहां होगा। आपके पॉलिटिकल मुद्दों को चेंज करना पड़ेगा, समाज से, धर्म से, कोई फ्री सेवा से, फ्री का ज्ञान दे, फ्री का गेहूं बांटने से, ये बातें चेंज करना पड़ेगी। हमें आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की बात करना पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि भाई मैं तेरे को एक पैसा नहीं दूंगा अगर तूने काम, हमें उसको बताना पड़ेगा कि तेरी वैल्यू है और तुझे पता है कि तू कर सकता है पर तू करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि जो आपके ऊपर बैठा ना सर, वो चाहते हैं कि वो आपसे आगे ना बढ़े और वो उसको बेवकूफी बना के रखा, और ये खुद राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि उसका जो आपका समझो जो आपका आपका जो फैन है या जो आपको समर्थक है वो बेवकूफ बना रहे ताकि वो अच्छे सवाल ना पूछे। अगर वो अच्छे सवाल पूछने लग जाएगा तो नेताओं को भी पढ़ना पड़ेगा, राजनेताओं को भी पढ़ना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान को गुरुओं की नहीं, टीचरों की नहीं, विद्यार्थी की जरूरत है। हमारा हिंदुस्तान में गुरुओं का देश रहा है, गुरुओं का देश रहा, हर आगे आदमी के ज्ञानी बन जाता है। इस हिंदुस्तान में वो आदमी ज्ञानी है जिसके घर में कचरा पड़ा है, वो बोल रहा है कि देश साफ होना चाहिए। ये हिंदुस्तान में खुद के चेहरे पे काली लगी और वो बोलता है कि हिंदुस्तान बदलना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी के पास एक माँ जाती है अपने बेटे को लेकर, वो माँ बोलती है कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको कुछ कीजिए स्वामी जी। वो स्वामी जी उस माँ को कहते हैं 1 महीने बाद आइएगा, मैं इसका इलाज करूंगा, मैं इसका हल निकालूंगा। 1 महीने बाद अपनी माँ, वो माँ अपने बेटे को लेके स्वामी जी के आश्रम जाती है, स्वामी विवेकानंद जी से कहती है कि इसका समाधान कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना,
आज के बाद गुड़ मत खाना, गुड़ बड़ा हानिकारक होता है। इतनी दो लाइन में उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। तो माँ पूछती है कि स्वामी जी इतनी सी दो लाइन कहने के लिए आपने एक महीने का समय दिया, ये तो आप उसी टाइम कह सकते थे। तो स्वामी जी ने क्या कहा, आते माफी चाहता हूँ पर एक महीने पहले तक मैं खुद गुड़ खाता हूँ, एक महीने पहले मैं खुद गुड़ खाता हूँ, तो इसमें एक महीने के अंतराल में मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ा, गुड़ की हानिकारकता को देखा और अब मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि गलत है। यहाँ पे आदमी जिसको कुछ पता नहीं, जैसे इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता, भविष्य नहीं पता, आर्थिक स्थिति पता नहीं, वो ज्ञान दे रहे, गुड़ पे बात कर रहे हैं, देश मोदी खराब है, राहुल गांधी खराब है, अरविंद केजरीवाल खराब है, जिसे खुद नहीं पता कि उसको घर का किराने का सामान वो लेने में असमर्थ। तो इस देश में विद्यार्थी की जरूरत है, इस देश में जो सीखने की जरूरत है, हमें गुरुओं का देश नहीं बनना, बहुत हो गया, हम गुरुओं का देश कभी ना थे ना कभी रहना चाहते, हमें विद्यार्थी बनने की आवश्यकता है। देश की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा, और एक मैं नाम बोल रहा हूँ जो बिहार में थी, उस जो लूट लूट के ये विदेशी लोग ले गए, वो सारी किताबों को पढ़ पढ़ के इन्होंने बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, वो सारी बातें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके और हम अंग्रेजी की किताबें पढ़ने पर हमारे ग्रंथों को हाथ नहीं लगा, जिसमें सीधा कहा गया है कि आपको देश के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है, कर्म के बारे में सोचना है, सबको लेके साथ चलना है। ये तो ऐसा हो गया ना कि आप दिखावे के लिए सबको साथ की बात कर रहे हो, पिछवाड़े तो आपकी आग लगी हुई, तो वो गलत। बिल्कुल कमाल की बातें करते हो। प्रफुल्ल भाई, आपको लगता है कि आपकी, देखिए मैं जितनी देर आपसे बात की, गजब की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, तो आपको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये भी कहीं ना कहीं जरूरी होती हैं? बिल्कुल, सब कुछ जरूरी। देखो हर किसी का एक सुपर पावर होता है, मेरा कम्युनिकेशन सुपर पावर है, मेरा इंटेलिजेंस सुपर पावर है, किसी का स्टेमिना सुपर पावर होता है, किसी का बुद्धि बहुत तेज चलता है, बहुत कोई लोग इंट्रोवर्ट होगा, तो आपका जो सुपर पावर हो, और भगवान ने हर इंसान को अपना एक सुपर पावर दिया है। आप यहाँ एंकर बन के बैठे हो तो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन की वजह से नहीं बन के बैठेंगे, हो सकता है आपका चेहरा सुंदर हो, आपकी स्माइल सुंदर हो, आप में से वाइब्स अच्छी आती है, आपका बॉडी अच्छा हो, आप समझ रहे हो, हर इंसान के पास अपना एक सुपर पावर होता है और उसे अपने सुपर पावर को जानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप एक महीने अपने आप को लॉक कर लीजिए, एकांत में चले जाइए और अपने सुपर पावर को खोजिए और बताइए कि मेरे को क्या अच्छे से आता है, और जो चीज आपको सबसे अच्छे से आती वही कीजिए। आपने सारा समाज का टीका नहीं ले रखा है, आपने समाज सेवा का टीका नहीं ले रखा है, आप अपने आप को सुधार लीजिए। हिंदुस्तान को सब सुधारने की बातें करिए, मैं 150 करोड़ लोग अगर सुधर गए तो कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन सांसद, कौन विधायक? हमारा देश मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सोचता है कि हमारा देश बदलेगा, ये लोग कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि एक लोग का प्रधानमंत्री क्या करेगा, 500 विधायक क्या करेंगे, सांसद क्या करेंगे? जब हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी आत्मनिर्भर हो जाएगा तो हमारी किसी के ऊपर निर्भरता ही नहीं रहेगी। तो राजनीति क्यों होती है हिंदुस्तान में, क्यों होती है? क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये नेता है और हमारी किस्मत का ताला पलट जाएगा, हम ऐसे थे हम ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी से आपने जोड़ के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर भी आपने कुछ बात कही थी कि हर युवा को इसमें योगदान देना चाहिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर। मैं हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ कि मैं खुद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ जो भी काम कर रहे हो करते रहो, टैक्स भरो, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराओ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, जीएसटी फाइल करो, इसी माध्यम से आप देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे लेके जा सकते हो। आप चोरी कर रहे हो, अगर आप ब्लैक में धंधा कर रहे हो, आप छुपा रहे हो सरकार से, बिल्कुल कैश में धंधा कर रहे हो, गलत है। हमारे देश को हर इंसान धंधा कर रहा है, हर इंसान बिजनेस कर रहा है, पर वो इंसान प्रोसेस नहीं बना रहा है, वो इंसान सिस्टम नहीं बना रहा है, वो इंसान इकोसिस्टम नहीं बना रहा है। हमारे देश को चाइना, जापान, जर्मनी और अमेरिका से काफी सीखने की जरूरत है। अगर वो लोग एक छोटी सी चाय की दुकान भी डालते हैं, कॉफी मशीन, कॉफी की दुकान डालते हैं, तो उसे प्रोसेस में करते हैं कि कहां पे कप रहेगा, कहां पे टिश्यू पेपर रहेगा, कहां पे शुगर सैशे रहेंगे, कहां पे मशीन रहेगी, हर चीज उनकी फिक्स होती है, उनके उठने का समय फिक्स होता है, उनके नहाने का समय फिक्स होता है, उनकी कार्यशैली फिक्स होती है। जिस इंसान के पास, जिस देश के लोगों के पास अगर अनुशासन नहीं है, जिस देश के लोगों के पास अगर अच्छी सोच नहीं है, नियत अच्छी नहीं है, नजरिया अच्छी नहीं है, उस देश के लोग सफल नहीं हो सकते, और हमारे हिंदुस्तानी युवा को ये सीखने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। प्रफुल्ल भाई, एक और चीज जाननी थी आपसे कि एजुकेशन सिस्टम जो है, या आपको क्या लगता है कि इंडिया का ठीक ठाक है या रिफॉर्म्स की जरूरत है या बिल्कुल टोटल इसको बदलने का है? अब एकदम से नहीं बदल सकते हो आप, बदलोगे अच्छे अच्छे, अभी मैं आपको बता, तो इंटरनेट आने के बाद बच्चों के पास सवाल अच्छे आने लगे, तो टीचर खुद पढ़ने लगा। आपको पता है सरकारी स्कूल का या सरकारी कॉलेज का प्रोफेसर पहले निठल्ला था, बिल्कुल ऐसे बैठ के बैठा था, तोड़ने लगी थी भैया लोगों, नहीं सही, क्योंकि वो मक्कारी करता था, वो खुद पढ़ता नहीं, तो उसको इतिहास नहीं पता, उसको भूगोल नहीं पता, उसको इकोनॉमी नहीं पता।
अब बच्चे अच्छे सवाल अगर पूछेंगे तो शिक्षक को छक मरा के पार करना पड़ेगा, शिक्षक को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये शिक्षा अब ऊपर से अच्छे ही नहीं होगी, ये शिक्षा की जड़ और नीचे से होगा। अब बच्चे जो है उनको अच्छे सवाल पूछने पड़ेंगे। और दूसरी चीज, दिन ब दिन आप आपका अगर बुद्धिजीवी आपका IQ आपका EQ हाई कर लोगे तो अपने आप पारदर्शी हो, और शिक्षा को तो बदलना ही पड़ेगा क्योंकि शिक्षा से ही हिंदुस्तान बदलेगा, नेताओं के वचनों से नारों से नहीं बदलेगा ये कुछ। और हमारे देश का मैं आपको फिर बता दूं, ये जो राजनीतिक निर्भरता है, ये जो राजनीतिक दिनचर्या की बातें हैं, आदमी दिन में 24 घंटे कम जीता है, 26 घंटे राजनीति की बातें करता है, इस नेता की बात करता है, उस नेता की बात करता है, ये छोड़ के अपने आप की, अपने समाज की, अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्त की, अपने भाई की, उनकी बातें करके उन्हें कैसे आगे लेके जा सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर आप सक्षम हो गए, अगर आप समृद्ध हो गए, अगर आप सफल हो गए, अगर आप पैसे वाले हो गए, तो मेक श्योर कोशिश करिए कि आपके आस पड़ोस वालों को सिखाएं, उनको समझाएं, उनको एक दिशा निर्देश दे, उनको बताएं कि भाई ये ऐसे होता है, मैंने यहाँ गलती करी, तुम यहाँ गलती मत करना। इस देश को अब चाहिए भगत सिंह नहीं चाहिए, इस देश को अब महात्मा गांधी नहीं चाहिए, इस देश को चाहिए प्रफुल्ल बिल्लो, इस देश को ऐसे लोग चाहिए जो एक जैसे हजार MBA चावल खाते, 10,000 MBA चावल खड़े करते। आप शहादत के मायने बदल गए, अब जरूरी नहीं है कि आप कत्लेआम करो, अब जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके फायरिंग करो, अब जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को सीखो और 10 लोगों को सिखाओ, वो 10 लोग 1,000 लोगों को सिखाएंगे, उनको फाइनेंस सिखाओ, कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन होता है ये सिखाओ, ये रिवॉल्यूशन है, ये शहादत के मायने बदल गए। बहुत बढ़िया बात लगी आपकी, क्योंकि तब गोली तमंचा के जमाने तो रहे नहीं, अब वो सब तो चला गया, लेकिन हाँ इसके जरिए हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, चाइना को नीचा दिखा सकते हैं, हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल भाई एक और चीज थी, बहुत बेसिक सा है लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, प्रफुल्ल भाई आपको नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई ननकू बैठा है, बिहार में कोई रज्जाक बैठा है, या पंजाब में कोई सतेंद्र बैठा है, ठीक है, आपको नहीं लगता कि इन्हें बिजनेस तो करना है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है? नहीं है, आपको किसने, आपने धंधा किया क्या? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, रुकने काम आदमी काम आदमी, किसने बोला कॉम्प्लिकेटेड? ये बहाने हैं कि सरकार क्या भाई, आज तक MBA चावला जब से मैं खड़ा हूँ, मां कसम MBA चावला की कसम, इतना सरल प्रोसेस है, इतना इतना सहज प्रोसेस है कि आप बोलोगे कि, और सरकारी सरकारी क्या होता है, आपको तो 10 घंटे 12 घंटे अपनी दुकान में बैठ के मेहनत करनी है, सरकार क्या करेगी, ये तो बहानेबाजी है। आप घर से निकलो तो सही, आप 10 लोगों से पूछो तो सही, आप सवाल तो पूछो, आप मुझसे पूछो, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी तक लाखों बच्चे लाखों युवा मुझसे आके पूछ के चले गए कि धंधा कैसे करें, ये कैसे करें, कुछ 100-150-200 लोग मुझे दिखे जिसने वाकई में बिजनेस चालू किया, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरी वजह से कुछ हजारों परिवारों का घर बदला है, उनकी सोच बदली है, उनके उनके नजरिए में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हाइस्ट है। जो सत्येंद्र, जो कुमार बिहार में बैठा है, जो रवि उत्तर प्रदेश में बैठा है, जो राहुल मध्य प्रदेश में बैठा है, मैं उसको कहना चाहता हूँ, तुझे दाल रोटी मिल रही है ना, तू अगर नहीं भी कमाएगा ना तो हिंदुस्तान में दाल रोटी तो तुझे कोई भी खिला देगा, दाल रोटी से तो नीचे नहीं जाएगा, घर छोड़ दे, अपने माँ बाप की बंदिशों को तोड़ दे और निकल जा, कुछ ना कुछ 1-1.5-2 साल में अपने आप रास्ता मिलेगा, कोई आदमी तेरे को ट्रेन में मिल जाएगा, प्लेन में मिल जाएगा, बस में मिल जाएगा, वो तेरा जीवन पर रहेगा, घर से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल भाई, इसका इसको लेकर आपका क्या विचार है, जो 9-to-5 जॉब कल्चर है, क्यूबिकल कल्चर है, इसमें लड़का निकलना तो चाह रहा है बाहर, लेकिन घर भी तो चलाना है। प्रफुल्ल भाई आप एकदम से एंटरप्रेन्योर बनने की क्यों बात करते हो, आप एकदम से बिजनेस वाला बनने की क्यों बात करते हो? आप, मैंने 5 महीने मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी है, जब जाके धंधा करूंगा जिसमें भी 2.5 साल रोड पे खुद ने चाय बनाएंगे। टेक्नोलॉजी या दुनिया कितनी भी आगे लग जाए, और जितने भी आजकल आपको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चलते हैं, इसने करोड़ों का टर्नओवर कर दिया, इसने इतनी 1,000 ब्रांचेस कर दी, सब बेवकूफ बनाते हैं। समय लगता है, फसल अपने समय के साथ उगेगी, पका हुआ आम, आम जो है अपने समय के साथ पकेगा। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए, आपको जो संघर्ष है वो करना ही पड़ेगा, आपको रातों में जागना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आप सोचो कि टेक्नोलॉजी आगे चली गई और आदमी क्या करता है ना, वो अपना कंपैरिजन MBA चावला से करेगा जिसकी जर्नी 5 साल आगे। आप आपका कंपैरिजन करो जब आपने चालू किया उन लोगों से, और कंपैरिजन क्यों करना, सबका अपना अपना सुपर पावर होता है और सबका अपना अपना एक साइकिल होता है। 2.5 साल रोड पे चाय बनाई, 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, 4 साल बाद आप फ्रेंचाइजी में, एक फ्रेंचाइजी का 25 लाख अमाउंट है, सारा पैसा GST में, हम लोग लाखों रुपया GST में पैसा पे करते हैं, हम चाहते तो हम भी ब्लैक में धंधा कर सकते,
बट पॉइंट यह है कि समय लगता है, बहुत समय लगता है, और रेडी रहो। प्रफुल भाई जैसे कि अभी आपने कोरोना का जिक्र कर दिया, ठीक है, इसी से जोड़ के देख लेता हूँ। प्रफुल भाई, आपने शायद 2017 के आसपास धंधा शुरू किया था, 2017 में, इसके 17, 18, 19, 20 में आ गया कोरोना। प्रफुल भाई एकदम से लगा होगा कि नहीं यार, क्या यार, अपन का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, खुल रहा था, बड़ा हो रहा था, ये कोरोना कहाँ से आ गया? तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हुआ था, डिमोटिवेट हुए थे, परेशान हुए थे। आपके अकेले के घर कोरोना हुआ था क्या? सबके घर हुआ था ना? जी तो सब बैठे रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, रात में सब लोग सोते हैं ना, सोना ना मैंने। उस टाइम पे इंटरनेट था ना, मैंने चीजें सीखी ना, अपना बुद्धि बढ़ाया ना, मैंने इंटेलिजेंट बढ़ाया ना, मेरी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ाई ना, सोशल मीडिया तो चल रहा था, बहानेबाजी कब तक करोगे? कोरोना के टाइम पे मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को मेहनत करनी थी, जिन लोगों को काम करना था, उन लोगों ने एक दिन की छुट्टी मिली कोरोना में, जिसमें मैं खुद और मेरे पिताजी एक दिन की छुट्टी मिली। घर में भी थे तो वीडियोस देखते थे, रामायण पढ़ी हमने, कृष्ण गीता पढ़ी हमने, उस महाभारत पढ़ी, तो मैं शिक्षा ली। भाई आपको बता दूं, टिकटॉक के जो सीईओ है ना, चाइनीज कंपनी के सीईओ, उसने 3 साल की कंपनी से छुट्टी ली कि मैं 3 साल आप कुछ धंधा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 साल पढ़ाई करूंगा। उसकी उम्र है 35 साल। शिक्षा को क्या समझते हो? जब बोलते हैं ना कि आपको आपको तो बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको पेड़ काटना है तो मैं 6 घंटे अगर मेरे को किसी ने दिए तो मैं 4 घंटे अपनी पुरानी कोई धार को मजबूत करूंगा, तो मैं अपनी धार मजबूत कर रहा हूँ, ये मार रहा हूं मैं। कोरोना चालू हो गया, अब मैं कुल्हाड़ी से फटाफट पेड़ काट रहा हूँ। ये कब हुआ? जब कोरोना आया, और कोरोना जैसा समय हिंदुस्तान के लिए सबसे सौभाग्य स्वरूप समय, स्वर्णिम समय स्वरूप मतलब समय था, जब हिंदुस्तानियों को पता चला कि कौन अपने साथ है, कौन अपने विरुद्ध है, क्या गलत है, क्या सही है, कौन अपना है, कौन पराया है। बिल्कुल ठीक है प्रफुल भाई, कार्यक्रम को खत्म करते करते एक मैसेज अगर आप युवाओं को दें, उनको दें प्रफुल भाई, जो लोग एडिक्शन के शिकार है, एडिक्शन हर तरह की, चाहे इसको आप शराब, दारू, सिगरेट किसी की भी बोल लीजिए, या फिर टिकटॉक की बोल लीजिए, जो भी है, टिकटॉक की जगह रील्स वगैरह कुछ चलने लगा है, उनकी बोल लीजिए, ये जो एडिक्शन में जो युवा फंसे हुए हैं, इनके लिए आप एक अगर डायरेक्ट मैसेज कुछ देना चाहें इनको। इन युवाओं का जो सुखों का कारण है वो बड़ा गंदा कारण है, इससे अच्छे अच्छे सुखों के कारण है, जरा निकलो तो सही अपने मतलब ढांचे से, अपने अपने घर से बाहर तो निकलो। ये जो सुखों के कारण आप सोच रहे हो ना, जो खुशी का ठिकाना, सैटरडे को शराब पी के खुशी मिलेगी, इससे अच्छे अच्छे सुख है। जब किसी 10-15 लोगों को अपने बिजनेस में नौकरी दोगे ना, उससे बड़ी खुशी ना शराब से मिलेगी, ना सेक्स से मिलेगी, ना किसी चीज से मिलेगी। जब किसी लोगों की मदद करोगे, अपने माँ बाप के लिए कपड़े लाके दोगे, उनको साड़ी लाके दोगे, घर में अगर अच्छा सा टीवी लाके दोगे, फ्रिज लाके दोगे ना, तो जो खुशी है ना वो इन शराबों से, इन एडिक्शन से, इन सिगरेट से काफी बड़ी है। जिन सुखों के पीछे तुम दौड़ रहे हो ना अंधी दौड़ में, वो दुनिया के सबसे गंदे सुख है, जरा बाहर तो निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रफुल भाई, बहुत क्रांतिकारी हो गया आपके लिए, तो मन कर रहा है ताली बजाने का प्रफुल भाई, आपकी बातों पे तो देने को दिल चाहता है प्रफुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी प्रफुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल भाई।